लड़की आ गई कि चलिए मेरे का इतना बड़ा अधिकार है, उसने बात कही हर बार बोल के सुबह तो ये हम लोग बहुत विभिन्न स्तरों पर लड़ते रहे, ये ऐसे ही बची। अगर ये बची है तो आज हम अपेक्षा कर सकते हैं। अभी पिछले साल 1,40,000 लोग भारतीय रेल में भर्ती हुए, हर जगह भर्ती बंद है। लेकिन अगर आज इंडिया फेडरेशन में इस क्षेत्र में कर्मचारी मंगीन है तो कर्मचारी भर्ती होंगे और कैसी भरी जाएगी बिहार के लोग बड़े खुशहाल गए, सबसे ज्यादा इम्तहान देते हैं, सबसे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। किसी रेलवे में जाओ हर जगह अपने साथी मिल जाते हैं, उनको चिंता भी रहती है कि हम लोग कैसे अपने घर पहुंचे, उनके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। अभी एक जल्दी आदेश होने वाला है कि जो 5 साल की लिमिट है उसके बजाय उस लिमिट को हम लोग घटवा करके 3 साल करने वाले हैं कि 3 साल के अंदर जो भी एप्लीकेशन लगा दे, रजिस्टर कर दे, नौकरी मिल जाए उसको खोलने का काम किया जाए। और अब की बात तो आगे से पक्के तौर पर होने वाले हैं कि जब भी कोई नया पैनल आएगा सबसे पहले जिन्होंने अपनी एनओसी लगा रखी है उन लोगों को स्टे करने के लिए उन लोगों को भेजा जाएगा और वो लोग अपने घर आने का काम करेंगे। ये हम लोगों की गारंटी है और ये गारंटी जो है वो पोलिटिकल पार्टी वाली गारंटी नहीं है, इसको राहुल की गारंटी या हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी उसको मत लीजिएगा। जो हम लोग तो राजनीतिक रूप खुल नहीं कि आज है कल नहीं रहेंगे, हम लोग तो रहने वाले कहा तो इसलिए हम लोग जो बात करते हैं वो बहुत गंभीरता से करने का काम करते हैं। हम लोग जो भी कहेंगे उसको पूरा कराने का काम करते और वही करते हैं जो कर सकते, अदरवाइज क्यों कहें। साथियों ये बहुत ही बड़ा चैलेंज किए महामंत्री जी ने, जो कि हर रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो सुबह से शाम हो जाएगी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके लिए जो आपका भोजन